नमस्कार, आप सभी के सामने ग्रामीण इंडिया की रिपोर्ट। मैं कुमारग्राम चाय बगान से लेकर आ रही हूं, जो कि कुमारग्राम ब्लॉक के अंतर्गत है और पश्चिम बंगाल में है। कुछ दिनों पहले मुझे कुमारग्राम चाय बगान से खबर मिली कि एक परिवार का काम बंद कर दिया गया। ये खबर सुन के मैं उनसे मिलने गई और बात की, तो पता चला कि उन्हें काम पर ना आने की सलाह दी गई है। आपके साथ क्या हुआ था बताइएगा। मोर संगे का होगी कि मोर डेढ़ साइज कर कोरोना बीमारी पालाई दुरिया रहे मन घर हम नहीं कर जाना ना कोनो भी नहीं खे, फिर भी मोके बागान में काम नहीं देवे, खोजलाई घुमाई दिलाई, फास्ट दिन काम दिलाई, लेकिन तो ही एकदम सबकर से दूर दूर रहबे कही कही के मोके कहलाई। कारण पूछा तो पता चला कि उनकी ननद कोरोना पॉजिटिव है, और जो कि उनसे 2 किलोमीटर दूरी पर रहती है और अपने ससुराल में है। तो फिर मैंने यह जानने की कोशिश की क्या वो उनके साथ रहते थे या उनके संपर्क में थे या नहीं। तो पता चला कि 2 साल से उनके कोई संपर्क में नहीं थे, फिर भी उनको 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उनकी ननद कोरोना पॉजिटिव थी। आइए सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ था। साहेब जगन गेलो हल काम जाबे कही के मौके कहलाई, हल काम गेलो हल मौके चपरासी मन घुमाई दिलाई, तो क्या काम नहीं दब, जब तक चेक नहीं करबे तब तक काम नहीं दब कही के मौके कहलाई। मैंने वहाँ से आई के मैं पूजा दीदी के फोन कर लो, तो पूजा मोर जगह नालक आई के लुइस जगन गेली हमनी, लुइस मई इकर कोनो व्यवस्था निकलाबू कही के कहलक। तो दूसरा दिन मई वहाँ से निकलो कहलक कि तो के चेक करे के मैं भेजबू कही के मौके लुइस को कहलक। तो लुइस घर गेलो, लुइस मौके पैसा दिलक 70 रुपया जा माई कही के कहलक। घर कैसन चली नी कमाबू हल छुआ पुता के का पैसा में खियाबू मई, वह चिंता लगलक मौके। तो क्या आप पॉजिटिव है? नहीं, मैं टेस्ट करवा हो मोर नेगेटिव आए, पॉजिटिव नहीं खे टेक ले तो सहजे हो जाए, लेकिन कोनो तो दिलाई नहीं मोके ही मैंने जैसन बदनाम करा था पॉजिटिव कही के वैसन घर दुरा में आए के देखता है ना दिन 10 दिन मोर काम नगा करवा लें, लेकिन उनका हाजिरी भी तो क्यों नहीं दिलाई मोके, देवे तो चाहिए। उन दौरान एक अनजान नंबर से फोन आता है और बताते हैं कि उनको कोरोना पॉजिटिव है और वो घर पर ही 17 दिनों तक के लिए रहे। तो उस परिवार को ये बात अटपटी लगती है और वो नंबर मुझे देते हैं। जब मैं वो अनजान नंबर से बात करती हूँ तो वो अपना परिचय मेडिकल ऑफिसर्स बताते हैं। फिर मैंने उनको क्रॉस चेक किया और पूछा कि अगर हम कोरोना पॉजिटिव है तो हमें क्या लक्षण दिखते हैं और हमें क्या दवाई लेनी चाहिए। तो वो कुछ जवाब दे ही नहीं पा रहे थे और मेडिकल टर्म्स में बात नहीं कर पा रहे थे, फिर उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कौन थे। मैंने लुइस जी से इस बारे में बात की और उनसे टेस्ट करवाने के लिए मदद मांगी और उन्होंने टेस्ट करवाने में हमारी मदद की। मैटर क्लियर ना होने पर मैंने कुमारग्राम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फ़ोन किया और जानने की कोशिश की कि वास्तव में उनका रिपोर्ट क्या है। तो पता चला कि वो नेगेटिव है। तो ये सारी बातों को मैंने NKS के प्रधान राणा बिश्वास जी को बताया और उनसे मदद मांगी कि कैसे उनको काम वापस दिला सके। उन्होंने टी गार्डन के सोशल वर्कर मिस्टर डेविड हल्दार को सारी बातें बताई और वो फिर जाके बगान मैनेजर से बात की। किसी का फेक न्यूज आया था तो इसी कारण से वो जानकारी होने के लिए थोड़ा टाइम लगा, इसीलिए उसका 2-3 दिन एब्सेंट हो गया था। बाद में पता चला है कि उसका कोई पॉजिटिव नहीं है, जिसका पॉजिटिव है उसका फैमिली अलग है, घर अलग है, तो इसका नेगेटिव ही रिपोर्ट था। तो असली बात जब जानकारी हुआ तो हमको प्रधान पूजा ठाकुर ने बोला, फिर बात किया तो देखता है उसका रिपोर्ट नेगेटिव है। तो यही बात को मैं असिस्टेंट मैनेजर को बोला, फिर असिस्टेंट मैनेजर बोला फिर कल से काम जाओ, फिर उसने काम जाना शुरू किया। इस तरीके के गलत अफवाहों के कारण चाय बगान में गलत असर सिर्फ रोगी पीड़ित ही नहीं बल्कि इसका खामियाजा लेबर को भी भुगतना पड़ता है। लेकिन ये गलत अफवाहों के चंगुल में यहाँ के मैनेजर और मेडिकल डिपार्टमेंट वाले भी फंस जाते हैं और सत्यता को जानने की कोशिश नहीं करते हैं।
चाय बागान इलाके में जो जानकारी है उनकी बहुत ही कमी है और लोगों में अफवाह बहुत है। तो हम चाहते हैं कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो इसमें उद्योग ले और यहाँ के जो साधारण लोग हैं उनको सचेत करें, साथ ही यहाँ के आला अधिकारी को भी सचेत करने की ज़रूरत है। मैं पूजा ठाकुर, इंडिया अनहट के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप भी बन सकते हैं बदलाव का हिस्सा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें बताएं।